ओम शांति। आज 14 फरवरी 2018, प्यारे बाबा के जो हम आत्माओं को श्री श्री बनाते हैं, ऐसे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हम सब ने अपनी क्लास में आज सवेरे सुने, और सुनकर हम सब ने ऐसा अनुभव किया कि आज बाबा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजय है। अब देखिए, भगवत गीता का पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। लोग भगवत गीता शब्द कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन श्रीमद् गौण रहता है। तो जो गीता में सारा भगवानुवाच है वो क्या है? वो है श्रीमद्। श्रीमद् का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ बनाने वाली मत, अर्थात जो श्रेष्ठ नहीं है, जो साधारण है या कनिष्ठ हैं, वो भी उस मत को धारण करके श्री अर्थात पूजने योग्य देवता बन सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम यूँ कहेंगे, श्री मत मनुष्य को देवता बनाने की मत है, परमात्मा द्वारा दी हुई, या श्री मत नर को नारायण बनाने वाली मत है, जिसको कहा जाता है सत्य नारायण की कथा है, या यूं कहा जाएगा कि पार्वती को शिव द्वारा सुनाई गई अमर कथा है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये श्री मत शब्द है। अब आप सोचेंगे कि श्री मत देने वाला कौन होगा? एक श्री दूसरे को तो श्री मत नहीं देगा। मान लो कोई व्यक्ति एमए का स्टूडेंट भी है, तो एक एमए का स्टूडेंट दूसरे एमए के स्टूडेंट को तो मत नहीं देगा। उसको देने वाला उससे ऊपर कोई PhD या डबल एमए होगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरी मत सर्वश्रेष्ठ मत श्री श्री द्वारा दी गई श्री मत है, जिससे तुम श्री बनते हो। और इसीलिए आप देखेंगे आज कई ऐसे महात्मा लोग हैं जो अपने को श्री श्री कहलाते हैं, अर्थ क्योंकि वो भी ऐसा ही कर्तव्य करते हैं। जो भी ज्ञान उनके पास है वो दूसरे का वितरण करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची श्रीमत जिससे सचमुच मनुष्य देवता बने, पति से पावन बने, वो मैंने दी है। बाबा ने आज हम बच्चों का निश्चय में विजय है। हाँ, यानी इस बात में अगर हम निश्चय रखेंगे कि परमात्मा ही पतित पावन है, परमात्मा ही कल्याणकारी है, परमात्मा ही लिबरेटर है, मुक्तिदाता है, जीवन मुक्तिदाता है, तो हम फिर उसी की मत पे चलेंगे, ना कि अन्य मतों पर चलेंगे, ना उसकी मत में अन्य मतें मिक्स करेंगे, ना अपनी मत उसमें मिक्स करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये निश्चय हो कि परमात्मा ही हमारी नैया को पार करने वाला है और वही श्री मत दे रहा है, तो आपकी विजय आवश्यक है। अदरवाइज क्या होगा कि श्री मत मिलावट कर देंगे, अपनी मत मिला देंगे, पर मत मिला देंगे, शास्त्र मत मिला देंगे, कुछ भी अन्य मत मिला देंगे, तो नैया डोलना शुरू हो जाएगी। ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? बाबा कहते सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरी संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वर की संतान कहने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरी नशे में हर्षित मुख रहना है। अब आप देखेंगे कि मंदिरों में जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, कभी किसी देवी देवता को रोते हुए दिखाते हैं, कभी उसके माथे पर शकन दिखाते हैं, कभी देवताओं के आगे भोग लगाने के लिए कोई आसुरी म्लेच्छ का भोजन रखते हैं, नहीं रखते हैं। कितनी स्वच्छता रहती है। तो बाबा कहता है वो ईश्वर की डायरेक्ट संतान है, उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन अब वो संतान जब मैं पुनः तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा बना रहा हूँ, तो तुम्हारा पहला लक्षण क्या है? कि
कि तुम्हें सदा हर्षित रहना है। किसी का भाग्य बन जाए, किसी गरीब को कोई बड़ा राजा अडॉप्ट कर ले, उसको भी खुशी आ जाती है। कोई नेता इलेक्शन जीत जाए, वो समझता है 5 वर्ष के लिए मेरे पास ये पावर आ गई, वो कितना खुश हो जाता है। आयु में बुजुर्ग भी होगा, उसके अंदर कितना उमंग उत्साह खुशी आ जाएगी। मैं तो तुम्हें साधारण मनुष्य से देवता बनाता हूँ, तो तुम्हारे अगर तुम्हें खुशी नहीं होगी और किसको होगी। तो सदा हर्षित चेहरा, मीठी वाणी, प्रसन्न चित्त जो है, ये देवताओं की निशानी है। खुशी से नाचते रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने भगवान के साथ गोप गोपियों को नाचते हुए दिखाया। ऐसे नहीं कि वो कोई डांस करते थे, उनको रास करते हुए दिखाया, अर्थात उनके संस्कारों की राशि आपस में मिलती थी, कभी मतभेद नहीं होता था, उसको उन्होंने ये रूप दे दिया। बाबा, रोने को बुरा क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं विधवा रोती है। आप देखेंगे जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वो कहती है मेरा सुहाग चला गया, अभागन बन गई, रोती है, अपनी चूड़ियाँ तोड़ती है, माथा पीटती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो पति परमेश्वर है, तुम आत्मा ने तो, सीता ने तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा है, तुम्हारा सुहाग सदा सुहागन हो तुम तो, और सुहागन केवल नाम मात्र नहीं, तुम महासौभाग्यशाली मैं तुम्हें बनाता हूँ, कहाँ से लेकर तुम्हें सज्जू का देवता बनने के लायक बनाता हूँ। इसलिए जब तुम परमात्मा को विस्मृति में आओगे तो समझो स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी डेथ हो गई, इसलिए तुम रोते हो। बाबा ने कहा कि मैं तुमको आके स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, तुम सब कुछ जानते हो, ऊंच से ऊंच बाप हैं, अब नई रचना रच रहे हैं, नई दुनिया में नई रचना चाहिए। गांधी जी कहते थे राम राज हो नई दुनिया, परंतु बाबा कहते हैं नई दुनिया जो है वो इस कलयुगी दुनिया में बन नहीं सकती। यानी पुराने संस्कार वाला आदमी नई दुनिया में कैसे जाएगा? इसलिए भगवान कहता है कि नई में तो सब कुछ नया चाहिए, यहाँ तक कि तुम इस शरीर के साथ भी तुम नई दुनिया में नहीं जा सकते। आप देखेंगे पुराना कैसे होता है। नई आत्माएं जब परम धाम से उतरती हैं, जैसे अब आबादी बढ़ रही है, मान लीजिए कोई धर्म स्थापक की आत्मा इस दुनिया में उतरती है, आत्मा तो उसकी प्योर है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि वो भी एक बार ही उतर के इस चक्कर में आ जाता है, क्योंकि शरीर उसको इम्प्योर मिलता है। अब एक व्यक्ति को इम्प्योर शरीर मिलेगा तो आत्मा इम्प्योरिटी के प्रभाव में आना शुरू कर देगी ना, इसलिए बाबा ने ये राज समझाया। बाबा ने इसको कंटिन्यू करते हुए आज ये कहा कि ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, रचयिता एक बाप है, और मैं आकर के रचना रचता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ये बाबा ने आज हम बच्चों को शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों के कर्तव्यों में स्पष्टीकरण करने के लिए बतलाया, क्योंकि ये लोगों के अंदर प्रश्न उठता है। वो कहते हैं एक तरफ परमात्मा को रचयिता कहते हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मा को रचयिता कहते हैं, इनमें कौन रचयिता है? तो बाबा ने स्पष्ट किया, वैसे तो स्पष्ट ही है, इस्लाम में भी कहा जाता है आदम खुदा, आदम ब्रह्मा को कहते हैं वो, बाबा आदम को वो अपना पहला पैगंबर मानते हैं। आदम खुदा अलग हैं, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। तो उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा बाबा मीडियम है, वो परमात्मा के अवतरण होने का एक माध्यम है, उसके बगैर तो परमात्मा हमको ज्ञान नहीं दे सकते। और क्योंकि जब परमात्मा उस ब्रह्मा के रथ में अवतरित हो जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं, तो परमात्म शक्ति उसके माध्यम से काम करेगी ना, तब ये थोड़ी कहेंगे ये ब्रह्मा का हाथ है। ब्रह्मा ने जब अपना हाथ भगवान को दे दिया तो ब्रह्मा की आँखों के द्वारा भगवान देख रहा है ना, ये फर्क पड़ जाता। मान लीजिए किसी लैंडलॉर्ड ने अपना मकान एक एम्बेसी वाले को किराए पर दे दिया, अब वो मकान क्या कहलाएगा? उसका दरो दीवार, दरवाज़ा, नल, टूटी सब एम्बेसी कहलाएगी ना, ये हमको समझना है। तो बाबा ने कहा क्रिएटर मैं हूँ, थ्रू ब्रह्मा हूँ। बाबा ने कहा ना कि जो हमारे बनते हैं, कहते शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए, प्रतिज्ञा करते हैं बाबा मैं आपकी और आपकी ही रहूंगी, बाबा भी कहते बच्चे तुम हमारे हो, अब क्या करो? मेरी मत पर चलो। श्री मत पर चलने से तुम सुश्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, ये गारंटी है।
अगर रावण की संतान, रावण कहते पांच विकारों को, विकारियों को, उसकी संतान आके परमात्मा की शरण लेकर परमात्मा की संतान बन जाए, सारी गीता में यही लिखा हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, ये सब अन्य चीज़ों को छोड़कर मेरे बन जाओ, तो जो जिसका अडॉप्ट हो जाता है फिर उसके कहने पर चलेगा, या जो उसको पहले वाला था उसके कहने पर चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं माया तो तुम्हारी मत मार देती है, मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, वो तो तुम्हें मुर्दा बना देती है, मैं तुम्हें अमर बनाता हूँ, इसलिए मेरी मत पर चलो। और बाबा ने कहा मैंने तुमको कल्प पहले भी बनाया था। हाँ, ये हमें तसल्ली है कि पहले भी हम ही बने थे, अब हम फिर बन रहे हैं और आगे भी हम ही बनेंगे। तो मुरली के आदमी क्या था, निश्चय रखोगे तो, इस बात पे निश्चय रखोगे तो आपकी विजय श्योर है। अगर किसी को पता हो मैं पहले भी विजय हुआ था तो उसके हिम्मत उसमें डबल आ जाती है। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और आगे लेना चाहूँगी। कई बार कुछ भाई बहन ऐसा कहते हैं हमें क्या पता कि हम कल पहले थे। देखिए परमात्मा हमें उस प्रकार के अनेक प्रकार के चिन्ह बताता है, अनेक प्रकार की हिस्ट्री बताता है, हमें सुदर्शन चक्कर देता है। पहला प्रूफ तो ये है कि अगर हम परमात्मा के पास आ गए, इस इंस्टीट्यूशन में आ गए या किसी सेंटर में आ गए, ये पहला प्रूफ है कि तुम पहले थे, वरना तुम यहाँ क्यों आए, सारी दुनिया तो यहाँ नहीं आ जाती। तो ये प्रूफ है कि ज़रूर तुम ऐसी जगह पर आए हो जहाँ तुम्हें सही रास्ता मिल रहा है। तो तुम्हारा कोई पार्ट है तो आए हो कि नहीं, किसी नाटक में स्टेज पर कोई एक्टर आ जाए, चाहे चाय पिलाने ही आ जाए, उस एक्टर का उस नाटक में पार्ट है तभी तो आएगा ना, कास्ट में है तो आएगा ना, पहला प्रूफ तो ये है, वरना तुम क्यों आए, दूसरा क्यों नहीं आया। इसलिए तुम्हें कोई लाया, वो कौन लाया, तुम्हारे संस्कार लाए। कई सवाल करते हैं कि पुरुषार्थ के बारे में कि कल्प पहले हमने किया होगा तो हम कर लेंगे। हाँ ज़रूर, तो ये तसल्ली है, इसको फ्यूचर टेंस में देखना है। जो लापरवाह होते हैं, इस शब्द का मिसयूज़ करते हैं, वो इसको पास्ट टेंस में देखते हैं। कहो कि कल तुमको क्लास में आना है, बड़ी दादी आ रही है, तो कहेंगे देखो ड्रामा में होगा तो मैं आ जाऊंगा, पहले आया होऊंगा तो आ जाऊंगा। और जो परीक्षार्थी होगा वो क्या सोचेगा, मैं ज़रूर आऊं क्योंकि अब मैं आ गया तो हर कल्प में मैं आऊंगा। तो थिंकिंग में फ़र्क है ना। पुरुष आरथ बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि पुरुष मालिक है प्रकृति का और रथी मालिक है रथ का। तो इसलिए मालिक बनकर अधिकारी होगा, उसी को अधिकार मिलेगा ना। भगवान कहता है जो इस प्रकार के पुरुषार्थी हैं, होगा हुआ होगा तो होगा, वो पास्ट टेंस को फ्यूचर टेंस से मिला रहे हैं। करूंगा तो होगा, ना कि हुआ होगा तो मैं करूंगा। क्या ब्रेक से कार चलती है या एक्सेलरेटर से चलती है, सवाल ये है। टाइम आगे को जाता है या पीछे को जाता है। बाबा ने कहा कि मैं तुमको दुखों से, विषय सागर से छुड़ाता हूँ और तुमको खीर सागर में ले जाता हूँ। अब उन्होंने विष्णु जी के लिए कहा कि वो खीर सागर में रहते हैं, अब वो सूक्ष्म वतनवासी विष्णु तो खीर सागर में नहीं रहते, परंतु उनके जो साकार रूप से लक्ष्मी से नारायण है, खीर सागर अर्थात प्रॉस्पेरिटी, उसमें रहते हैं सत्युगी दुनिया में। ये सारी बातें लिंक्ड हैं, एक एक को बाबा ने बहुत डिटेल में समझाया है। आज भी लोग कहते हैं कि सतयुग में दूध और घी की नदियाँ बहती थी, अब इसका भाव अर्थ क्या है। सतयुग में शेर और गाय एक गांठ जल पीते थे, इसका भाव अर्थ क्या है। ये वहाँ नॉन वायलेंस था, दूध घी की नदियाँ का अर्थ है प्रॉस्पेरिटी थी, और सतयुग की गंगा का जो पानी था वो इतना शक्तिशाली शुद्ध था, उसमें इतने मिनरल्स आते थे कि दूध के बराबर था। और आज का दूध पानी के बराबर है, आप दूध के पी लें, उसकी क्वालिटी क्या है, देखने में सफ़ेद पानी है ना, गाय खाती क्या है। इसलिए भगवान कहता है कि ये जो कहा गया कि विष्णु जी क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए हुए हैं, ये सिंबॉलिक है कि जो पांच सिर वाला सांप जिसने कृष्ण जी को काला कर दिया, जो विष्णु का रूप दिखाते हैं गोरे से काले हो गए, वो पांच विकार थे, देह भान था, काम क्रोध लोभ मोहंकार। फिर परमात्मा ने अवतरित होकर पुनः
उस शाम को सुंदर बनाया, साथ साथ हम सबको भी बनाया। महिला रूप से काली माता और गौरा देवी बताते हैं, तो जैसे श्री कृष्ण काले हो गए, इसी प्रकार से जगदम्बा भी काली देवी के रूप में आ गई। तो भगवान कहते ब्रह्मा की रात हो गई, इसलिए भगवान कहता कि मैं ये जो तुमको सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि विषय सागर, विषय वितरणी नदी उन्होंने बताई है, बहुत उसमें गोता खाते हैं। तो बाबा कहते ये काम विकार के घृणित प्रसार का रूप है, उससे निकाल कर मैं तुम्हें शुद्ध देवता बनाता हूँ। उसके यादगार है कि विष्णु जी अपने दुश्मन सांप को भी सैया बनाकर, उसके सेवाधारी बनाकर उस पर लेटे हुए आराम से मस्त है, चिंतन में मस्त है, और मनुष्य जो है विषय वितरणी नदी में गोता खा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, और सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? अहिल्याएं कुब्जाएं। ऐसे ऐसे को आकर के मैं वरदान देता हूँ कि ब्राह्मण बनने बिगर देवता कोई बन नहीं सकता। दान गरीब को दिया जाता है इस समय, स्पेशली माताएं कन्याएं वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। अहिल्या पत्थर हो गई थी, राम ने उसको टच किया, इसका भाव क्या है? पत्थर से पारस, परमात्मा हमारी पत्थर बुद्धि से हमें पारस बुद्धि बनाता है, ज्ञान देकर। जैसे कहते हैं ना, पारस के साथ कुछ भी टच हो वो पारस बन जाता है, इसी प्रकार से गणिका। अब उन्होंने तो सोचा कि महिला ही गणिका है, महिलाओं को गणिका बनाने वाला कौन है? लेकिन फिर भी मेंशन तो है कि सबसे ज़्यादा जिसको बिल्कुल दुत्कारा गया, तिरस्कार किया गया, निरादर किया गया, जीवन के अंदर उसको एक स्लेब बनाया गया, भगवान कहता है मैं उन्हीं को आकर के शिव शक्तियाँ बनाता हूँ। बाबा ने पुनः आज कहा है कि देखो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ रोते नहीं हैं। और खास बाबा कहते तुम ईश्वर के बच्चे हो, सदैव हर्षित रहना चाहिए। अगर रोती हैं, उसमें आज बाबा ने खास कन्याओं को कहा, रोते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं, वो माया के मुरीद देखने में आते हैं। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? कन्याओं का कोमल दिल होता है। नहीं, क्वेश्चन दिल का नहीं है, क्वेश्चन कन्या कहना भी एक बॉडी कॉन्शियसनेस है। भगवान पहले आपको क्या ज्ञान देता है? तुम कन्या हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, तुम आत्मा हो। तो जो व्यक्ति आत्मा मानेगा वो अपने को शक्ति मानेगा, मातृ स्वरूप मानेगा। आखिरकार आप देखेंगे जितनी देवियों की पूजा होती है, पहाड़ों की चोटियों पर, ऊंचाई पर उनके मंदिर बनाए जाते हैं, लोग माँ माँ कहकर रात के समय उनको याद करते हैं। तो भगवान ने तो कन्या को शिव शक्ति बनाया। अगर शिव शक्ति बन के रोती है, उसका मतलब क्या हुआ? ये बॉडी कॉन्शियस है, उसको किसी प्रकार का लोभ मोह पुराने संस्कार संबंध सता रहे हैं, तो माया की मुरीद हो गए कि नहीं? माया रावण का ही तो नाम है और पांच विकारों का ही नाम है। बाबा ने आज कहा है कि बच्चे अभी तुम हर्षित रहते हो तो 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना बड़ी बात नहीं है, परंतु तुमको कृष्ण जैसा बनना है। अब सभी देवताएं देखो अब मुस्कुराते हुए दिखाते हैं। लोग मूर्तियों के आगे क्यों जाते हैं? ये मूर्तियों का, यद्यपि मूर्तियां आजकल के कलाकारों ने बनाई हैं, लेकिन देवताओं की मूर्तियों की मुस्कुराहट उनके मन को शांत कर देती है। और देवता एक रस मुस्कुराते हैं, जो मनुष्य होते हैं कभी सुख में आ गए तो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, और जब दुख में आ गए तो ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। बाबा कहते मैं किसको प्यार करता हूँ? जो मेरी इज्जत रखते हैं, और जो मेरी इज्जत गंवाते हैं, तो बाबा कहते उनको थोड़ी मैं, बेशक मेरी संतान है। जो माता पिता का नाम रोशन करते हैं, मर्तबा बुलंद करते हैं, माता पिता उसको प्यार करते हैं, उनको कुलदीप कहा जाता है, कुल के दीपक हैं, कुल का नाम रोशन करने वाले हैं। और जो माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हैं, दुनिया के अंदर भी होता है, उसको कुल कलंक कहा जाता है कि तू कैसा है, तो अपने कुल की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। तो भगवान कहते हैं यहाँ भी ऐसे ही है, ईश्वर के बच्चे बन के, ईश्वर की धारणाएँ करके, अपने चेहरे चलन से,
अपने व्यवहार से ईश्वर का नाम रोशन करने वाले भी यहाँ ही हैं, लेकिन भगवान कहता है फिर ऐसे भी हैं जिसको कहा जाता है कि भगवान के घर आए फिर भी अपने खुशकिस्मत नहीं बने, बदकिस्मत ही रहे, धारणाओं पर नहीं चले, श्री मत को नहीं माना, अपनी मत चलाई, सहयोग की बजाय विघ्न डालने वाले बन गए, फिर ये हाल होगा ना। इस समय जितने मनुष्य उतनी मतें। हाँ, बाबा कहते हैं एक ही श्रीमत मैं तुमको देता हूँ, लक्ष्य देता हूँ कि मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ, तुमको राज तिलक नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, इसलिए मायापुरी को भूलो, इसमें अथाह दुख है, ये कब्रिस्तान है, मीठे बाबा मीठे सुखधाम को याद करो, ये दुनिया तो ख़त्म होनी है और उधर विनाश की भी पूरी तैयारियां हैं। अब देखो सत्य एक होता है, परमात्मा एक है, तो जो एक परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देते हैं या यूं कहें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, सच्चा नरसिंह नारायण बनने का ज्ञान देते हैं, उसकी मत पे चलना चाहिए। जो साफ साफ ये जो बातें बाबा ने बताई हैं, वापस जाने का समय है, विनाश सामने खड़ा है और नई दुनिया तैयार हो रही है, मैं तुम्हें जो उस पर चलेगा, माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान की मानेगा, सर्वधर्मान परित्यज, वो देवता बनेगा, या जो दो मत भी हो गई तो व्यक्ति दुविधा में आ जाएगा, ये या वो। तो भगवान कहते हैं सत्य तो एक होता है और यहाँ तो अनेका अनेक मतें हैं, सारी दुनिया मत बदलते बदलते शरीर छोड़ जाते हैं लोग, आज इसकी मत पे चलो शायद ये सुख देगा, वो दुख देता है, फिर दूसरे की मत पे चलो, जिंदगी भर अनेक मतों में फंसे हुए अनेक जोगी, मत उजाड़ कहा जाए, मठ उजाड़ कहा जाता, ये हाल है। बाबा ने एंड में कहा है तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो, कैसे 84 जन्म लेती है लेकिन लोग मानेंगे नहीं, उसकी भुजाएं भी बहुत दे दी हैं, वास्तव में इतनी भुजाओं वाला कोई होता नहीं है, लक्ष्मी जी की भी चार भुजाएं कहाँ कहाँ दिखाते हैं महालक्ष्मी का रूप देने के लिए, विष्णु की भी चार भुजाएं दिखाते हैं, तुम जानते हो कि हम नारायण और नारायण को गोरा सॉरी बाबा कहते हैं नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, तो ये सारे राज जो हैं वो उलझे हुए हैं जो बाबा आकर के हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं, फिर से हमें काले से गोरा बनाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है ना कि मैं आकर के श्री लक्ष्मी की आत्मा जो चारों युगों का चक्कर लगाते हुए अन्य आत्माओं की तरह साधारण बन गई थी, उसको मैं ईश्वरीय ज्ञान देकर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाता हूँ, सरस्वती बनाता हूँ, गॉडेस ऑफ विजडम बनाता हूँ। तो पहले तो नहीं थी, फिर भगवान कहते हैं इसी ज्ञान के आधार पर वो सतयुग में जाकर राज राजेश्वरी बनती है, साधारण से ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी अर्थात श्री लक्ष्मी बनती है। तो लक्ष्मी ही सरस्वती है, ब्रह्मा ही श्री नारायण है, ये राज भी भगवान हमको बताते हैं कि मैंने ही उसको श्री नारायण बनाया, मैंने ही उसको श्री लक्ष्मी बनाया श्रीमत देकर। तो आज सारी मुरली श्रीमत पर है। आज की मुरली में जो धारणा के लिए लिख के आया है, मीठे बाबा मीठे सुखधाम को याद करना है, मायापुरी को बुद्धि से भूलना है, सर्विस में थकना नहीं है, विजय माला में आने के लिए अथक को सर्विस करनी है, शिव बाबा से सच्चा रहना है, भूल चूक नहीं करनी, किसको दुख नहीं देना, वरदान है एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में को श्रेष्ठ आत्मा भाव। जिन्होंने स्वयं अनुभव करके महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है, हम चक्कर लगाने वाले नहीं हैं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं, फिदा होना अर्थात मर जाना, ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है, जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना।
मर जीवा कहा जाता है ना, तो मर जीवा जन्म या दुज ब्राह्मणों का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ये प्राणी दुनिया से मर गए, रहे इसी शरीर में, नई दुनिया के संस्कार भरे। तो बाबा कहते हैं इसी से ही तुम्हारा नई दुनिया स्थापित होगी। स्लोगन, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। इसलिए बाबा ने कहा ना, हर्षित मुख तुम संगम पर ही रह सकते हो। कोई व्यक्ति किसी कीचड़ के मोहल्ले में, मान लो कोई नेताजी टूर कर रहे हैं स्लम एरिया में, वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये तो पता है कि मैंने थोड़ी देर के बाद जाके अपने बंगले में जाके रहूँगा। इसी प्रकार से आप इस समय कलयुगी कीचड़ की दुनिया में, गंदी दुनिया में हो, लेकिन जब आपको पता है कि भगवान हमारे लिए नई दुनिया सुख धाम स्थापित कर रहा है, तो कहते हैं सुख धाम, और उसको याद करोगे तो आपको आज का दुख भी दुख नहीं लगेगा। ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को रॉयल चलन अपनी बनाने को जो बात कही है कि बाप का नाम रोशन करना है, बदनाम नहीं, उसके लिए अपनी चलन और चेहरे पर अटेंशन देना है। ओम शांति।